नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं सम्मी। आगे बढ़ने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। मुख्य निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार शुक्ला ने विधान परिषद स्थानीय प्राधिकरण के चुनाव के संबंध में सभी जिलों के अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया वर्चुअल संवाद। अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। पच्चीस मार्च को चौरी चौरा उपद्रव में शामिल अभियुक्तों की पहचान के लिए पुलिस ने भोपा बाजार चौराहा सहित अन्य जगहों पर पोस्टर किया चस्पा। सीओ चौरी चौरा ने कहा, उपद्रवियों की सूचना देने वाले नागरिकों को ₹1,000 का दिया जाएगा इनाम, नाम को रखा जाएगा गोपनीय। बीडीसी मेंबरों और ग्राम प्रधानों से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ से किया वर्चुअल संवाद। कहा, ग्राम प्रधान व बीडीसी मेंबर्स अधिकारियों के साथ मिलजुल कर करें कार्य, प्रदेश को बनाया जाएगा देश में उत्तम प्रदेश। एंटी रोमियो टीम का एसएसपी डॉक्टर विपिन ताडा ने किया गठन। महिला सुरक्षा के प्रति शेरनी दस्ता को किया ब्रीफ, पुलिस लाइन से हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व कैबिनेट मंत्री मत्स्य विभाग डॉक्टर संजय निषाद ने सपरिवार बाबा गोरखनाथ व अन्य महापुरुषों के दर्शन कर लिया उनका आशीर्वाद। कहा, मछली उत्पादन में प्रदेश को बनाना है देश में नंबर वन प्रदेश। गोरखपुर में शनिवार से सड़क पर हुए अतिक्रमण को हटाने के लिए जिला व पुलिस प्रशासन की संयुक्त टीम अलग अलग जगहों पर चलाएगी अभियान। जिलाधिकारी ने कहा, अभियान चलाकर शहर को अतिक्रमण से कराया जाएगा मुक्त, लोगों को जाम से मिलेगी निजात। पूर्वोत्तर रेलवे का विद्यालय बालक इंटर कॉलेज व बालिका इंटर कॉलेज सीनियर सेकेंडरी स्कूल में होगा मर्ज। छात्र व छात्राओं की पढ़ाई नहीं होगी बाधित, मर्जर होने तक नए एडमिशन पर लगी रोक। पूर्वोत्तर रेलवे के सीपीआरओ ने दी जानकारी। गुरु गोरखनाथ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज आयुर्वेद कॉलेज में दीक्षा पाठचर्या समारोह के पांचवें दिन आयुष विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर एके सिंह ने कहा, वैश्विक पुनर्स्थापना की ओर अग्रसर है आयुर्वेद, समूची दुनिया के लिए आयुर्वेद है सच्चा हितैषी। जिला प्रशासन ने प्राथमिक विद्यालय के खुलने के समय में किया बदलाव। जिलाधिकारी ने कहा, 1 अप्रैल से 8 बजे खुलेगा विद्यालय। सभी विद्यालयों को दिया गया है निर्देश। संचारी रोगों पर नियंत्रण के लिए जनपद में 12 विभागों के सहयोग से 2 अप्रैल से शुरू होगा 30 दिनों का संचारी रोग नियंत्रण अभियान। सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। बैंक ऑफ इंडिया के गोरखपुर अंचल के आंचलिक कार्यालय का प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी एके दास ने किया उद्घाटन। कहा, यह आंचलिक कार्यालय गोरखपुर सहित 16 जिलों के बैंक के कारोबार की करेगा देखरेख, ग्राहकों को सीधे मिलेगा लाभ। एक जनपद एक उत्पाद के तहत गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर लगाया गया टेराकोटा का स्टॉल। पूर्वोत्तर रेलवे के सीपीआरओ ने कहा, स्टॉल के माध्यम से स्टेशन पर आने वाले यात्रियों को चल सकेगा जिले की फेमस वस्तु का पता, टेराकोटा को मिलेगा बढ़ावा। और 2 अप्रैल शनिवार को चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से शुरू हो रहा है चैत्र नवरात्र। माँ दुर्गा इस बार आएंगी घोड़े पर सवार होकर। महानगर में नवरात्र को लेकर बाजारों में माँ दुर्गा के श्रृंगार का सामान, चुनरी, नारियल, कलश इत्यादि से सजे बाजार, भक्त बढ़ चढ़ कर रहे हैं सामानों की खरीदारी। अब खबरें विस्तार से। उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार शुक्ला द्वारा विधान परिषद स्थानीय प्राधिकरण के चुनाव के संबंध में लखनऊ से प्रदेश के सभी जिलों के अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की दौरान मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने लखनऊ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिलों के जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिया कि विधान परिषद स्थानीय प्राधिकरण के चुनाव में किसी तरह की लापरवाही ना हो तथा आदर्श आचार संहिता का कड़ाई से पालन करवाया जाए,
जिससे कहीं पर भी अव्यवस्था फैलने ना पाए और 9 अप्रैल को होने वाले सभी मतदान केंद्रों पर पुलिस बल तैनात रहे और शांतिपूर्वक 12 अप्रैल को मतगणना संपन्न करवाएं। वहीं इस अवसर पर कलेक्ट्रेट स्थित NIC सभागार में जिलाधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी विजय किरण आनंद, SSP डॉक्टर विपिन ताडा, उप जिला निर्वाचन अधिकारी राजेश कुमार सिंह, SP ट्रैफिक डॉक्टर MP सिंह सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। संपन्न करा सकता है जो कि वोटर लिस्ट में आपों द्वारा मार्क किए, इसके अलावा किसी अन्य वोटर को वो मार्क नहीं करा, वो हेल्पर अवेलेबल नहीं करा सकता है, भले वो इलेक्ट्रेट हो या किसी ये दे देंगे इसके सामने जो पेज अपन तो करा होंगे उसके ऊपर पैसा दिया जा रहा है, शराब बांटी जा रही है। जो पोलिंग स्टेशन है वहाँ पर सफिशियंट रहनी चाहिए क्योंकि इसमें फ्रिस्किंग सबकी जरूरी होती है। इसको अगेन सारे पुलिस अधिकारी और रिटर्निंग अधिकारी नोट कर ले, जो भी बंदा वोट डालने जा रहा है उसकी फ्रिस्किंग होती है दो कारण। पहली चीज, उसके पास चौरी चौरा में 25 मार्च को उपद्रव में शामिल अभियुक्तों की पहचान के लिए पुलिस ने भोपा बाजार चौराहा सहित अन्य जगहों पर उपद्रवियों का पोस्टर चस्पा किया, जिसके संबंध में CO चौरी चौरा डॉक्टर अखिलानंद उपाध्याय ने बताया कि 25 मार्च को चौरी चौरा के भोपा बाजार चौराहे पर उपद्रवियों द्वारा रोड जाम कर धरना प्रदर्शन किया गया और कुछ देर बाद पुलिस की गाड़ियों पर पथराव किया गया, जिससे पुलिस की कई गाड़ियां नष्ट हुई। वहीं कुछ पुलिसकर्मी घायल भी हुए, जिससे सरकारी संपत्ति का नुकसान हुआ, जिसको देखते हुए उपद्रवियों का भोपा बाजार चौराहा रेलवे स्टेशन, झंघा नई बाजार, मोतीराम अड्डा में पोस्टर चस्पा किया गया, जिससे कि उपद्रवियों के पोस्टर के माध्यम से पहचान हो सके। उन्होंने कहा कि कोई भी नागरिक उपद्रवियों की पहचान करके पुलिस को सूचना दे सकता है तथा सूचना देने वाले को 1000 का इनाम दिया जाएगा और नाम को गोपनीय रखा जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए CO चौरी चौरा डॉक्टर अखिलानंद उपाध्याय ने कहा, देखिए बोलना दीजिए, नाना तरीन बोल रहा है जी, सब फैना का है, जितने हैं सब फैना, नाम पता है पहला गांव का, कोई नाम नहीं है, सब फैना के लड़के हैं, ठीक है, पहचान वहाँ पता चलेगा, हम बता देंगे, हम तो भैया को बता देंगे। अरे ऐसा ना बता दे, भाग जाओ। जो दिनांक 25/3/2022 को भोपा चौराहे पर कुछ लोगों द्वारा जो है रोड जाम करके जो है आंदोलन के रूप में जो है धरना प्रदर्शन किया जा रहा था, उसी में जो है बाद में इनके द्वारा जो पथराव कर दिया गया था, इन लोगों द्वारा उन्हीं की शिनाख्त हेतु जो है पोस्टर तैयार करा करके भोपा चौराहे पर, रेलवे स्टेशन पर, अन्य जो है जो भी सार्वजनिक स्थल हैं वहाँ पर चस्पा किया गया है और कराया जा रहा है। अब टीमें जो है क्या जो चस्पा कराने के लिए जो है थाना प्रभारी आपके जो है चोरी चौरा है, थाना प्रभारी जगह है, और वहाँ भी जो है क्षेत्र में आपके जगह क्षेत्र में भी और चोरी चौरा क्षेत्र में जो भी सार्वजनिक स्थल हैं, बाजार हैं, उन जगहों पर जो है चस्पा कराया जा रहा है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के ग्राम प्रधानों VDC मेंबर से लखनऊ से वर्चुअल संवाद किया, जिसके संबंध में DPRO हिमांशु शेखर ठाकुर ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ग्राम प्रधानों व VDC मेंबर से वर्चुअल संवाद किया और सभी ग्राम प्रधानों को बताया कि प्रदेश सरकार ने किस तरह गाँव के विकास के लिए ज्यादा धनराशि आवंटित किया जिससे ग्राम पंचायतों का विकास हो सके। इसके अलावा ग्राम पंचायतों में जो कार्य कराए जा रहे हैं, बताया कि आंगनबाड़ी का कायाकल्प, स्कूल का कायाकल्प, पंचायत भवन का निर्माण, व्यक्तिगत शौचालय का निर्माण, प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत आवास का निर्माण हुआ और नागरिकों को महीने में 2 बार फ्री राशन दिया जा रहा है जिससे कि सभी नागरिक शांति से व सुकून से रह सकें और उनका जीवन स्तर आगे बढ़ सके। और उन्होंने प्राइमरी स्कूल को मॉडल बनाने के लिए भी प्रधानों से बात की और सभी प्रधानों से आह्वान किया कि सभी प्रधान VDC मेंबर अधिकारी व कर्मचारियों के साथ मिलजुल कर कार्य करेंगे जिससे कि गांव का समुचित विकास हो सके और उत्तर प्रदेश देश में उत्तम प्रदेश बन सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि गोरखपुर के परफॉर्मेंस ग्रांट के 32 ग्राम पंचायतों में 249 करोड़ की धनराशि दी गई है जिससे कि मॉडल गाँव बन सके, जिसके लिए 29 ग्राम पंचायतों में कार्य प्रारंभ हो गया है और 3 ग्राम पंचायतों में कार्य जल्द ही प्रारंभ हो जाएगा जिससे स्मार्ट गांव बन सके। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए DPRO हिमांशु शेखर ठाकुर ने कहा, ग्राम प्रधानों और VDC मेंबरों से बात की, यही मुख्यमंत्री जी ने बात करके जो है लोगों को बताया, ग्राम प्रधानों को बताया कैसे पिछले 5 साल में सरकार ने विकास कार्यों के लिए ग्राम पंचायतों में एक्स्ट्रा धनराशि दी है। काफ़ी ज़्यादा धनराशि अब राज्य वित्त और केंद्रीय के माध्यम से ग्राम पंचायतों में आ रही है ताकि ग्राम पंचायतों का सर्वांगीण विकास हो सके। इसके अलावा उन्होंने ग्राम पंचायतों में जो कार्य कराए जा रहे हैं उसके बारे में बताया कि इसके आंगनबाड़ी का कायाकल्प, स्कूल का कायाकल्प, साथ ही पंचायत भवन का निर्माण, पंचायत भवन का कायाकल्प और व्यक्तिगत शौचालय का निर्माण, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास का निर्माण, मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत आवास का निर्माण, फ्री राशन दिया जा रहा है लोगों को ताकि सब लोगों को कोई दिक्कत ना हो, आराम से लोग रह सकें और जो जीवन स्तर है लोगों का ऊपर उठ सके। इसके अलावा उन्होंने आगे जो है सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट पे जो फोकस है उसके बारे में बताया, प्राइमरी स्कूल में कैसे और भी ज़्यादा बेहतर उसको बनाया जाएगा, मॉडल स्कूल्स बनाए जाएंगे, इसके बारे में उन्होंने बात की और ग्राम पंचायतों का आह्वान किया कि प्रधान जी लोगों का आह्वान किया कि मिलजुल करके काम करेंगे तो देश का और जो है राज्य का जो है सर्वांगीण विकास होगा, उत्तर प्रदेश देश में सर्वांगीण भूमिका वाला राज्य बनकर उभरेगा। सर कुछ योजनाएं चल रही है उसके बारे में बात की है, परफॉर्मेंस ग्रांट का जैसे गोद दिया गया जिसमें उत्तम पैसा गया है। हाँ, परफॉर्मेंस ग्रांट के कुल मिलाकर के गोरखपुर में 32 ग्राम पंचायतें हैं जिसमें 249 करोड़ की धनराशि सरकार के द्वारा आवंटित की गई है। इस सारे गाँव ने खुद से आय से अर्जित की थी तथा इन गाँव ने ऑडिट किया था 13, 14, 14, 15 इस आधार पर इन गाँव को धनराशि दी गई थी। उसमें अभी सब जगह जो है इसकी टेक्निकल और प्रशासनिक वित्तीय स्वीकृति, तकनीकी स्वीकृति सबकी ले ली गई है। कार्य जो है 29 ग्राम पंचायतों में प्रारंभ भी हो गया है, बाकी 3 ग्राम पंचायतों में अतिशीघ्र प्रारंभ हो जाएगा। ये जो लक्ष्य यही है, जो यही उद्देश्य है कि ये सभी 32 गाँव को मॉडल गाँव की तरह डेवलप कर दिया जाए। यहाँ जो भी बेसिक एमिनिटीज, जो स्मार्ट विलेज का जो सपना है वो यहाँ पर साकार होगा। जिस तरह स्मार्ट सिटी होता है उसी तरह स्मार्ट विलेज बनाने का जो सपना है, यहाँ पर सब जगह पर्याप्त मात्रा में धनराशि का सही से सदुपयोग करा करके इसको मॉडल गाँव की तरह डेवलप कराने का काम चलाया जा रहा है। कोई भी जो आधारभूत संरचनाएँ होती हैं, चाहे नाली हो, खडंजा हो, CC रोड हो, या इसके अलावा स्ट्रीट लाइट हो, सोलर लाइट हो और हाई मास्ट लाइट हो, पार्क हो, ओपन जिम हो, इसके अलावा जो पोखरे का सौंदर्यकरण है, इस तरह का हर तरह का काम को लेकर के वहाँ पर बेंच बैठने के लिए बेंच है, ये सारी चीज़ों का यहाँ पर ये कराया जा रहा है। स्मार्ट क्लासेस हैं, स्कूल का कायाकल्प है, आंगनबाड़ी का निर्माण है, आंगनबाड़ी का कायाकल्प है, पंचायत भवन का निर्माण है, सामुदायिक भवन का निर्माण है, बारात घर का निर्माण है, सभी कार्यों को ले जाकर इसमें लिया गया है ताकि जो भी ग्राम पंचायत, ये 32 ग्राम पंचायतें हैं, ये मॉडल गाँव की तरह डेवलप हो। इसमें एसएल डेवलप पे भी विशेष फोकस किया गया है। इसमें MCC और MRF, इसको मटेरियल रिकवरी सेंटर, फैसिलिटी सेंटर और माइक्रो कंपोस्टिंग सेंटर कहते हैं, दोनों का निर्माण कराया जा रहा है ताकि जो कूड़े का जो ठोस और द्रव कूड़ा है उसका प्रबंधन सही से हो सके और ग्राम पंचायतों का, इन 32 ग्राम पंचायतों को हम लोग पूरे देश में मॉडल गाँव की तरह डेवलप कर सके। SSP डॉक्टर विपिन ताडा ने एंटी रोमियो टीम का दोबारा गठन किया, जिसके संबंध में SSP डॉक्टर विपिन ताडा ने बताया कि एंटी रोमियो टीम का दोबारा गठन करके स्कूटी के साथ पुलिस लाइन से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है और शेरनी दस्ता को उनके कर्तव्यों के बारे में, संवेदनशील स्थान के बारे में बताया गया है कि किस प्रकार से कार्य करना है।
ब्रीफ किया गया है और महिलाओं की सुरक्षा की प्राथमिकता रखते हुए जो भी महिलाओं के हित में वह कार्य करना है इन सब चीजों के बारे में जानकारी दी गई है। उन्होंने कहा कि शेरनी दस्ता को यह स्पष्ट बताया गया है कि महिला सुरक्षा पुलिस की पहली प्राथमिकता है जिसको किसी भी हाल में पूरा करना है। इस अवसर पर एसपी सिटी सोनम कुमार, प्रशिक्षु सीओ प्रशाली गंगवार सहित शेरनी दस्ता की टीम मौजूद रही। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसएसपी डॉक्टर विपिन दाड़ा ने कहा, इसके लिए आप पिछले सालों में इसके लिए बहुत सारे वो चले थे जिसके थ्रू इस भूमि का रहने वाली महिलाओं पे अपहरण टिप्पणियां करने वालों से मुक्त कराने के लिए अभियान चलाया गया था जो कि अवांछनीय आपत्तिजनक गतिविधियों व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई पाई कार्रवाई है निकल रही है पढ़ के जहाँ से जो है कि जो घूम रहे आवारा गतिविधियां हैं उनसे जो है कि आप लोग मुक्त कराने के लिए आदि का जो मुकदमा है उसके खिलाफ पंजीकृत कर सकते हैं, कार्रवाई कर सकते हैं। और इसमें देखिए नौवां नंबर है कि प्रभारी एंटी रोमियो स्क्वाड अभियान के दौरान बालिकाओं अगली महिलाओं से छेड़छाड़ जिसको चेकिंग कर रहे हैं वहाँ एक बार वीडियो कॉपी कर देने से उसको दिमाग में उसके ये बन जाएगा कि आगे अगर कहीं फिर से मैं गलती करें उसके खिलाफ एक बार फोटो खींच लें और उसे समझा बुझा के अगर ज्यादा गलती पाई जाती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई लायक है तो कार्रवाई करें, उनको सुपुर्द किया जाएगा। ध्यान देंगे इसमें ये बात है कि जब भी किसी बालक को चाहे किसी लड़के को आप अगर चेक करते हैं तो एक बार उसे जो है कि उसके अंदर एक बार डर बन जाएगी, भय वो हो जाएगा तो दोबारा फिर उसे गलती करने का प्रयास नहीं करेगा। सकारात्मक मानसिकता विकसित करने का हर संभव प्रयास किया जाएगा। आगे है सार्वजनिक स्थान पर शराब पीने वाले इतनी संख्या में आए और आप लोगों ने सुना जो महिलाओं की सुरक्षा है वो पुलिस की प्राथमिकता है शासन स्तर पर भी और जिले स्तर पर भी और इसको हमें गंभीरता से लेना है। मैं आपको केवल चार शब्द कहूँगा जो आपको अनुपालन करने हैं पुलिसिंग के दौरान गोरखपुर में। पहला रेस्पॉन्स आर, दूसरा सेंसिटिविटी एस, तीसरा विजिबिलिटी वी और चौथा प्रोफेशनलिज्म पी, आर एस बी पी। अभी आर एस बी पी क्या होता है कौन बताएगा मुझे, किसी को जानकारी में है आर एस बी पी क्या होता है? कभी शादी के कार्ड पे किसी इन्विटेशन पे आपने पढ़ा है आर एस बी पी लिखा हुआ? तो पुलिस को भी ऐसे ही काम करना है, जैसे ही हमें कोई सूचना प्राप्त होती है हमें तत्काल उसको एक्ट करना है, उसको रेस्पॉन्स देना है, किसी का ऊंचा बोलने का या फिर कोई बात करने का ना आपके कोई भाव भाव का उस पर कोई फर्क पड़ेगा ना आपकी ऊंची आवाज का कोई फर्क पड़ेगा उस पर। लेकिन कोई छोटा बच्चा है 6 साल का की सामाजिक सेंसिटिविटी अपनी मानी अपनी भाषा आज एंटी रोमियो टीम्स
गोरखपुर का पुनर्गठन करके उनको स्कूटीज के साथ में पुलिस लाइन में रवाना किया गया है पुलिस लाइन से, और इसमें इनको अपने कर्तव्यों के बारे में, जो जनपद के संवेदनशील स्थान हैं उनके बारे में किस प्रकार से कार्य करना है, क्या कार्य करना है, सभी चीज़ों के बारे में ब्रीफ किया गया। और महिला और बालिका सुरक्षा को प्राथमिकता रखते हुए जो भी महिलाओं और बालिकाओं के हित में है वो कार्य करना है, किस प्रकार करना है, इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी दी गई है। और ये स्पष्ट किया गया है कि महिला सुरक्षा जनपद पुलिस की प्राथमिकता है और इसको किसी भी हाल में पूरा करना है। निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व कैबिनेट मंत्री मत्स्य विभाग डॉक्टर संजय निषाद का कैबिनेट मंत्री बनने के बाद लखनऊ से गोरखपुर प्रथम आगमन के दूसरे दिन बाबा गोरखनाथ का सपरिवार दर्शन कर उनका आशीर्वाद लेकर अन्य महापुरुषों के भी मूर्तियों पर पुष्प अर्पित कर अभिवादन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। पादरी बाजार स्थित कैम्प कार्यालय पर कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं को पहनाकर उनका स्वागत किया, जिसके संबंध में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने बताया कि मोदी और योगी ने मत्स्य विभाग को अलग मंत्रालय बना करके निषाद समुदाय के बेटे को मत्स्य मंत्रालय का कैबिनेट मंत्री बनाकर आरक्षण की पहली सीढ़ी की नींव रख दी है। उनकी पहली प्राथमिकता में रहेगी कि अन्य प्रदेशों से मछलियां यहां नहीं आएंगी, बल्कि इस प्रदेश से मछलियां बाहर जाएंगी। उच्च टेक्नोलॉजी के उपयोग से सभी कार्य किए जाएंगे। इस प्रदेश को मत्स्य विभाग द्वारा मछली उत्पादन में एक नंबर का बनाया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने कहा, ये रुकिएगा। हमारे मोहल्ले को अनपढ़ गवार संभालेगा, उसके आप लोग घर में बैठे रहेंगे। चलो पहले तो मैं बधाई दूंगा अपने कार्यकर्ताओं को, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं को, मोदी जी अमित शाह जी को माननीय, और धर्मेंद्र प्रधान जी नड्डा साहब, माननीय योगी आदित्यनाथ जी को, कि उन्होंने हमें जिस समुदाय का मैं संघर्ष कर रहा था वो समुदाय के विकास की मुख्यधारा में लाने के लिए हमें वो जिम्मेदारी दी। और ज़्यादा धन्यवाद दूंगा उन्हें कि कम से कम मंत्रालय अलग करके कैबिनेट, और चूँकि विभागों में बटा रहता था, अंग्रेजों ने ढेर सारे कानून बना कर उजाड़ा
था पिछली सरकारों की गलत नीतियों के नाते इनके परंपरागत पैसे पर। दूसरे ट्रेडिशनल वोट बैंक का कब्जा हो गया था जिससे विकास की मुख्यधारा से कोसों दूर हो गए थे, उन्हें विकास की मुख्यधारा में लाने के लिए हम प्रयास करेंगे। और माननीय महाराज जी मुख्यमंत्री जी से मंत्रालय मिलने का आशीर्वाद लेने गया और दिशा निर्देश दिया और दिशा निर्देश में उन्होंने निर्देशित किया कि इसे उत्तम प्रदेश के साथ साथ इस विभाग को एक उत्तम बनाना है कि उत्तर प्रदेश में दूसरे प्रदेशों से मछलियाँ आती हैं, इस प्रदेश से दूसरे प्रदेश में हम लोग आयात करने के लिए लायक हो जाएं और उनके लिए जो भी साधन संसाधन की ज़रूरत हो हम प्रोजेक्ट बना कर दीजिए, हम करते हैं। और इनके जो है उसके आधुनिकीकरण कराया जाए। अब पिछली सरकारों की गलत नीतियों के नाते ढेर सारे लोग उजड़े हैं, पहले उन्हें बसाने के लिए व्यवस्था करो, पायलट प्रोजेक्ट के तहत एक मास्टर ट्रेनर बनाओ और इन्हें ट्रेंड करके इनको विशेष और जो योजनाएं हैं सरकार की उसे पात्र लोगों तक पहुंचाओ और गरीबों का अधिक से अधिक जोड़कर दिखाओ। जो अभी जो बने हुए हैं साधन संसाधन वो उसको आधुनिकीकरण किया जाएगा और इन्हें जोड़कर उन्हें ट्रेनिंग दिलाकर उन्हें किया जाएगा और सरकार से जो संभव प्रयास होगा उसे करकर इन्हें विकास की मुख्यधारा में लाया जाएगा। जनपद में 2 अप्रैल को अतिक्रमण हटाने को लेकर अभियान चलाया जाएगा, जिसके संबंध में जिला अधिकारी विजय किरण आनंद ने बताया कि गोरखपुर में जेपी हॉस्पिटल से नंदानगर तक हुए अतिक्रमण पर 2 अप्रैल को अभियान चलाया जाएगा, जिसके लिए जिला प्रशासन पुलिस प्रशासन की व्यापारियों के साथ बैठक की जा चुकी है और सबके सहयोग से जो यातायात की जनमानस की समस्या है सभी लोगों को एक सुगम यातायात मिले इसके लिए प्रयास किया जा रहा है, जिसके लिए शहर को अतिक्रमण से मुक्त कराने के लिए अलग अलग दिन का प्लान बना है और अतिक्रमण को हटाने के लिए पुलिस व प्रशासन की टीम बनी हुई है जो कि शनिवार से अभियान चलाकर सड़क पर हुए अतिक्रमण को हटवाया जाएगा, जिससे कि शहर के रोड चौड़ीकरण व सुंदरीकरण के कार्य को सफलतापूर्वक किया जा सके। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिला अधिकारी विजय किरण आनंद ने कहा, हम लोगों की पूरे जिला प्रशासन पुलिस प्रशासन की व्यापार बंधुओं के साथ बैठक हुई है, पथ विक्रेताओं से लगातार संवाद किया जा रहा है, आज भी उनके साथ बैठक है, सबके सहयोग से सभी के साथ मिलकर जनमानस के सहयोग से जो यातायात की समस्याएं हैं सभी हमारे आम जन को सुगम व्यवस्था हमारे सड़कों पे मिले इसके लिए एक अभियान के रूप में कार्य किया जा रहा है। उसमें एक माइक्रो प्लान बना हुआ है, टीमें गठित की गई हैं और अंतर विभागीय समन्वय से वहाँ पे अवस्थापनाओं को सुदृढ़ किया जाएगा, सड़क में चौड़ीकरण, चौराहों का सौंदर्यीकरण, चौराहों में अच्छा रीडिज़ाइनिंग का कार्रवाई, ऑन द स्पॉट इंजीनियरिंग की कार्रवाई की जाएगी और साथ ही साथ जो दुकानदार हैं पथ विक्रेता हैं उनके लिए भी व्यवस्थाएं की जाएंगी ताकि सभी को लाभ भी मिल सके और सभी को एक अच्छी व्यवस्था मिल सके। विशेषकर हमारे जो ग्राहक हैं, हमारे जो आम लोग हैं जो सड़कों पे आवागमन रहता है उनके लिए एक अच्छी व्यवस्था मिले ये हमारी प्राथमिकता है। पूर्वोत्तर रेलवे के विद्यालय बालक इंटर कॉलेज व बालिका इंटर कॉलेज के बंद होने की बात पर पूर्वोत्तर रेलवे के CPRO पंकज कुमार सिंह ने कहा कि पूर्वोत्तर रेलवे के 3 विद्यालय चलते हैं जिसमें सीनियर सेकेंडरी स्कूल, बालक इंटर कॉलेज, बालिका इंटर कॉलेज शामिल हैं। अब तीनों स्कूलों को सीनियर सेकेंडरी स्कूल में मर्ज किया जा रहा है और मर्जर होने के दौरान अभी कोई विद्यालय बंद नहीं हो रहा है। इसके साथ ही मर्जर के दौरान यह भी ध्यान रखा जा रहा है कि उनका भविष्य बर्बाद हो, उनका भविष्य सुरक्षित रहेगा जिसका भरोसा छात्रों के गार्जियन को दिलाते हैं। उन्होंने कहा कि चरणबद्ध तरीके से दोनों स्कूल को सीनियर सेकेंडरी स्कूल में मर्ज किया जाएगा। इस दौरान विद्यालय में नया एडमिशन नहीं लिया जाएगा जब तक कि दोनों विद्यालयों सीनियर सेकेंडरी स्कूल में मर्जर ना हो जाएं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए पूर्वोत्तर रेलवे के CPRO पंकज कुमार सिंह ने कहा, पूर्वोत्तर रेलवे में मुख्यतः 3 विद्यालय चलते हैं, सीनियर सेकेंडरी स्कूल, बालक इंटर कॉलेज, बालिका इंटर कॉलेज। अभी इन तीनों स्कूलों को बेसिकली मर्ज करना है सीनियर सेकेंडरी स्कूल में। इस मर्जर के दौरान अभी कोई इस विद्यालय बंद नहीं हो रहा है और मर्जर के दौरान ये ध्यान रखा जाएगा कि जो छात्र हैं उनके भविष्य के साथ कोई भी खिलवाड़ ना हो और उनका भविष्य सुरक्षित रहेगा, यह भरोसा हम आपको दिलाते हैं। और समय के साथ फेज वाइज इसको चरणवार तरीके से इसको इन दोनों विद्यालयों को सीनियर सेकेंडरी स्कूल में हम लोग मर्ज करेंगे। सर, छात्रों गार्जियन का कहना है कि
अगले सत्र से एडमिशन नहीं होगा, अलग कहीं और एडमिशन कराने के लिए कहा गया। नए एडमिशन चूँकि हम लोग मर्ज कर रहे हैं इस विद्यालय को, व्यवस्थाओं को जो व्यवस्थाएं उसको अपग्रेड करने की कोशिश की जा रही है जो अभी की व्यवस्था है, तो सीनियर सेकेंडरी स्कूल में इनको मर्ज करना है, इसलिए फ्रेश एडमिशन पर अभी हम लोग रोक लगाए हुए हैं। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, ब्रेक में जाने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। मुख्य निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार शुक्ला ने विधान परिषद स्थानीय प्राधिकरण के चुनाव के संबंध में सभी जिलों के अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया वर्चुअल संवाद, अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। पच्चीस मार्च को चौरी चौरा उपद्रव में शामिल अभियुक्तों की पहचान के लिए पुलिस ने भोपा बाजार चौराहा सहित अन्य जगहों पर पोस्टर किया चस्पा। सीओ चौरी चौरा ने कहा, उपद्रवियों की सूचना देने वाले नागरिकों को ₹1,000 का दिया जाएगा इनाम, नाम को रखा जाएगा गोपनीय। बीडीसी मेंबरों और ग्राम प्रधानों से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ से किया वर्चुअल संवाद, कहा ग्राम प्रधान व बीडीसी मेंबर्स अधिकारियों के साथ मिलजुल कर करें कार्य, प्रदेश को बनाया जाएगा देश में उत्तम प्रदेश। एंटी रोमियो टीम का एसएसपी डॉक्टर विपिन ताडा ने किया गठन, महिला सुरक्षा के प्रति शेरनी दस्ता को किया ब्रीफ, पुलिस लाइन से हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व कैबिनेट मंत्री मत्स्य विभाग डॉक्टर संजय निषाद ने सपरिवार बाबा गोरखनाथ व अन्य महापुरुषों के दर्शन कर लिया उनका आशीर्वाद, कहा मछली उत्पादन में प्रदेश को बनाना है देश में नंबर वन प्रदेश। गोरखपुर में शनिवार से सड़क पर हुए अतिक्रमण को हटाने के लिए जिला व पुलिस प्रशासन की संयुक्त टीम अलग अलग जगहों पर चलाएगी अभियान, जिलाधिकारी ने कहा अभियान चलाकर शहर को अतिक्रमण से कराया जाएगा मुक्त, लोगों को जाम से मिलेगी निजात। पूर्वोत्तर रेलवे का विद्यालय बालक इंटर कॉलेज व बालिका इंटर कॉलेज सीनियर सेकेंडरी स्कूल में होगा मर्ज, छात्र व छात्राओं की पढ़ाई नहीं होगी बाधित, मर्जर होने तक नए एडमिशन पर लगी रोक, पूर्वोत्तर रेलवे के सीपीआरओ ने दी जानकारी। गुरु गोरखनाथ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज आयुर्वेद कॉलेज में दीक्षा पाठचर्या समारोह के पांचवें दिन आयुष विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर एके सिंह ने कहा, वैश्विक पुनर्स्थापना की ओर अग्रसर है आयुर्वेद, समूची दुनिया के लिए आयुर्वेद है सच्चा हितैषी। जिला प्रशासन ने प्राथमिक विद्यालय के खुलने के समय में किया बदलाव, जिलाधिकारी ने कहा 1 अप्रैल से 8 बजे खुलेगा विद्यालय, सभी विद्यालयों को दिया गया है निर्देश। संचारी रोगों पर नियंत्रण के लिए जनपद में 12 विभागों के सहयोग से 2 अप्रैल से शुरू होगा 30 दिनों का संचारी रोग नियंत्रण अभियान, सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। बैंक ऑफ इंडिया के गोरखपुर अंचल के आंचलिक कार्यालय का प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी एके दास ने किया उद्घाटन, कहा यह आंचलिक कार्यालय गोरखपुर सहित 16 जिलों के बैंक के कारोबार की करेगा देखरेख, ग्राहकों को सीधे मिलेगा लाभ। एक जनपद एक उत्पाद के तहत गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर लगाया गया टेराकोटा का स्टॉल, पूर्वोत्तर रेलवे के सीपीआरओ ने कहा स्टॉल के माध्यम से स्टेशन पर आने वाले यात्रियों को चल सकेगा जिले की फेमस वस्तु का पता, टेराकोटा को मिलेगा बढ़ावा। और 2 अप्रैल शनिवार को चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से शुरू हो रहा है चैत्र नवरात्र, माँ दुर्गा इस बार आएंगी घोड़े पर सवार होकर, महानगर में नवरात्र को लेकर बाजारों में माँ दुर्गा के श्रृंगार का सामान, चुनरी नारियल कलश इत्यादि से सजे बाजार, भक्त बढ़ चढ़ कर कर रहे हैं सामानों की खरीदारी। पेगस निशान गोरखपुर का एकमात्र निशान डस्टन का एक्सक्लूसिव शोरूम और वर्कशॉप, जी हाँ सही सुना आपने, जिन गाड़ियों के खरीदने के लिए या सर्विसिंग के लिए आपको गोरखपुर से बाहर जाना पड़ता था, अब पेगस निशान लाए हैं ये सारी सुविधाएं एक ही छत के नीचे। पेगस निशान
सेल सर्विसेज एंड स्पेयर्स, भारत पेट्रोलियम के अपोजिट नौसढ़ गोरखपुर। हमारी तरफ से विशेष ऑफर, निसान डस्टन गाड़ी की खरीद पर फ्री इंश्योरेंस, कंडीशंस अप्लाई। रॉयल लोगों की रॉयल पसंद, रेड रॉयल चाय। को मंगलम टावर गोल घर के यहाँ कपड़े खरीदे भी, सिलवाए भी और ड्राईक्लीन भी करवाए। दो की ड्राईक्लीन पर एक कपड़ा मुफ्त। फ्री होम डिलीवरी और पिकअप के लिए कॉल करें 9044663300। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। महायोगी गुरु गोरक्षनाथ आयुष विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर एके सिंह ने कहा कि विश्व की अति प्राचीन भारतीय चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद एक बार फिर वैश्विक पुनर्स्थापना की ओर अग्रसर है। संकट काल में ही हितैषी की पहचान होती है और कोरोना के संकट में पूरी दुनिया में संक्रमितों के इलाज व रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि हेतु आयुर्वेद की उपयोगिता सच्चे हितैषी के रूप में प्रमाणित हुई है। आयुर्वेद के विद्यार्थियों की जिम्मेदारी है कि वह समय अनुकूल शोध व अनुसंधान के जरिए समूचे विश्व की आयुर्वेद से जुड़ी उम्मीदों को पूरा करें। प्रोफेसर एके सिंह शुक्रवार को महायोगी गोरक्षनाथ विश्वविद्यालय आरोग्य धाम की संस्था गुरु गोरक्षनाथ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज आयुर्वेद कॉलेज में बीएमएस प्रथम वर्ष के नवागत विद्यार्थियों के दीक्षा पाठचर्या ट्रांजिशनल करिकुलम समारोह के पांचवें दिन आयुर्वेद के इतिहास, दर्शन व अवधारणा पर अपने विचार व्यक्त कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हजारों वर्ष पूर्व महर्षि चरक ने आयुर्वेद के विषय में जो शोध किए उसे आज विश्वविद्यालयों और मेडिकल कॉलेजों में पढ़ाया जा रहा है। यह चिकित्सा पद्धति त्रिदोष, कफ, वात व पित्त के प्रबंधन के माध्यम से समग्र आरोग्यता प्राप्त करने की पद्धति है। त्रिदोषों के प्रबंधन के लिए पंच महाभूतों के बारे में विश्लेषणात्मक जानकारी आवश्यक है, इसलिए आयुर्वेद के छात्रों को अपने विषय के प्रति एकाग्रचित और मननशील होना चाहिए। उन्होंने गुरु गोरक्षनाथ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में उपलब्ध अद्यतन संसाधन, वातावरण, फैकल्टी की सराहना करते हुए कहा कि इन सब के समन्वय में यहाँ के विद्यार्थी आयुर्वेद के क्षेत्र में स्वर्णिम सफलता हासिल कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें कड़ी मेहनत, दूरदृष्टि व पक्का इरादा को अपना मूल मंत्र बनाना होगा। एक अन्य सत्र में गुरु गोरक्षनाथ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के संहिता सिद्धांत विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर सुमित कुमार एम ने विद्यार्थियों को अंतर्वैयक्तिक संबंधों पर जरूरी टिप्स दिए। उन्होंने कहा कि एक योग्य चिकित्सक बनने के लिए कम्युनिकेशन स्किल पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। बेहतर कम्युनिकेशन स्किल होने पर ही हम मरीज की परेशानी को बेहतर तरीके से समझकर उसे संतोषप्रद इलाज दे सकेंगे। एनेस्थीसिया विभाग के डॉक्टर अभिनीत वाजपेयी ने बेसिक लाइफ स्पोर्ट और फर्स्ट एंड विषय पर जानकारी साझा की। दीक्षा पाठचर्या समारोह में शुक्रवार के पहले सत्र में महायोगी
गोरक्षनाथ विश्वविद्यालय आरोग्य धाम के कुलसचिव डॉक्टर प्रदीप कुमार राव ने गुरु गोरक्षनाथ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज आयुर्वेद कॉलेज की स्थापना के उद्देश्यों पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि आज के दौर का बीएमएस विद्यार्थी आयुर्वेद, मॉडर्न मेडिसिन और योग तीनों का ज्ञाता होता है। विद्यार्थी को स्वमूल्यांकन के आलोक में आत्मविश्वास से भरा होना चाहिए। एमबीबीएस के छात्र जहां सिर्फ दो भाषाओं की जानकारी रखते हैं, जबकि बीएमएस के विद्यार्थी इसके साथ ही देवभाषा संस्कृत में भी दक्ष हो जाते हैं। आज नासा ने भी संस्कृत की वैज्ञानिकता को अंगीकार किया है। डॉक्टर राव ने कहा कि महर्षि चरक और महर्षि सुश्रुत के आयुर्वेद के सिद्धांतों को हमें एक बार फिर प्रयोगात्मक रूप से सिद्ध करके दुनिया के सामने रखना है। इस आयुर्वेद कॉलेज की स्थापना का यह एक प्रमुख उद्देश्य है। छात्रों को भी इस उद्देश्य के साथ जुड़ना होगा। वक्ताओं का स्वागत गुरु गोरक्षनाथ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के प्राचार्य डॉक्टर पी सुरेश ने किया। कार्यक्रमों में प्रोफेसर डॉक्टर एस एन सिंह, प्रोफेसर डॉक्टर गणेश पाटिल, डॉक्टर प्रज्ञा सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर पीयूष वर्षा, डॉक्टर प्रिया नायर आदि की सक्रिय सहभागिता रही। जिला प्रशासन ने प्राथमिक विद्यालयों के खुलने के समय में बदलाव किया है, जिसके संबंध में जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने बताया कि शुक्रवार से नया सत्र प्रारंभ हो गया है तथा इस समय में सभी परिषदीय विद्यालय 8 बजे से खुलना प्रारंभ होते हैं और 2 बजे बंद होता है, जिसके लिए जनपद के सभी विद्यालयों को आदेश भी जारी किया गया है। उन्होंने कहा, विद्यालयों का मेरे द्वारा व शिक्षा विभाग के अधिकारियों के द्वारा निरीक्षण किया जा रहा है तथा स्कूल चलो अभियान की मुख्यमंत्री के द्वारा प्रारंभ किया गया है। यह अभियान प्रदेश के हर जनपद में चलेगा। उन्होंने बताया कि जिन बच्चों का अभी तक स्कूल में दाखिला नहीं हुआ है, उनको दाखिला दिलवाया जाएगा और अच्छे माहौल में बच्चों का पढ़ाई प्रारंभ करवाया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने कहा, कॉपी में देखो। हाँ, नया सत्र प्रारंभ हो गया है आज से। और हाँ, जैसे विषम काल में 8 बजे से विद्यालय प्रारंभ होते हैं, सभी परिषदीय विद्यालय और मान्यता प्राप्त विद्यालय, और उसके लिए आदेश भी जारी किया है, अनुश्रवण किया जा रहा है। लगातार हम लोगों के द्वारा समीक्षा की जा रही है, निरीक्षण किए जा रहे हैं शिक्षा विभाग और ब्लॉक लेवल और जिला लेवल के टास्क फोर्स से। अभी स्कूल चलो अभियान भी माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा आरम्भ किया जा रहा है, जहाँ हर जनपद में ये अभियान चलेगा और जितने भी बच्चे अभी स्कूलों में दाखिला नहीं हुआ है, उन सबका पंजीकरण सुनिश्चित किया जाएगा और उनको सारी उपलब्धियां सुनिश्चित कराते हुए अच्छी गुणवत्ता की पढ़ाई के लिए परिषदीय विद्यालयों में व्यवस्था की जा रही है। शुक्रवार को जिला अस्पताल के प्रेरणा श्री सभागार में सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि संचारी रोगों पर नियंत्रण के लिए जनपद का स्वास्थ्य विभाग 12 विभागों के सहयोग से संचारी रोग नियंत्रण अभियान चलाएगा। 2 अप्रैल से शुरू होकर 30 दिनों तक यह अभियान चलेगा, जिसमें स्वास्थ्य विभाग से जुड़े लोग घर घर एवं गाँव गाँव जाकर लोगों को रोगों से बचाव के लिए जागरूक करेंगे। उन्होंने कहा कि पूर्वांचल में इंसेफ्लाइटिस जैसी बीमारी का प्रकोप था, जिसमें सैकड़ों बच्चों की मौत हो गई थी, लेकिन योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद इसके खिलाफ सार्थक प्रयास किया गया, जिससे आज इस बीमारी पर काफी हद तक नियंत्रण लगा है। उन्होंने बताया कि जनपद में JEAES 8 मरीज रिपोर्टेड हैं, जिसमें मौत किसी की नहीं हुई है। मलेरिया, डेंगू, फाइलेरिया, चिकनगुनिया के कोई मरीज नहीं हैं। 12 विभागों के सहयोग से सरकार 4-4 महीने के अंतराल पर संचारी रोग नियंत्रण का एक महाअभियान चलाती है। इस अवसर पर ACMO RCH नंदकुमार, जिला सर्विलांस अधिकारी डॉक्टर AK चौधरी, जिला मलेरिया अधिकारी अंगद सिंह, सहायक जिला मलेरिया अधिकारी राजेश चौबे, उप जिला स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी सुनीता पटेल, डॉक्टर हसन फहीम तथा अन्य लोग उपस्थित रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए CMO डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने कहा,
आज हम लोग जो है संचारी रोग जो हमारा इस वर्ष शुरू होने जा रहा है उसके लिए हम लोग यहाँ एकत्र हुए हैं। जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है कि 2017 के पहले संचारी रोग जो हुआ करते थे, खास करके जो हमारे तराई क्षेत्र थे, जैसे इसमें गोरखपुर का जो बेल्ट था वहाँ पर जेई एईएस मलेरिया फाइलेरिया डेंगू इनकी संख्या में अत्यधिक हुआ करते थे। खास करके अगर हम जेई एईएस की बात करें तो इनकी संख्या 3 अंकों के ऊपर होती थी और इवन यहाँ तक कि मरने वालों की संख्या भी 3 अंकों तक होती थी। 2017 में जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने पदभार ग्रहण किया तो चूंकि इस समस्या से वो बहुत अच्छी तरह से रूबरू थे, उन्होंने सार्थक प्रयास किया और उस पहल का नतीजा ये हुआ कि जो हमारी मरीजों की संख्या 3 अंकों और 4 अंकों में होती थी और जो मृतक लोगों की संख्या 3 अंकों में होती थी वो घट करके 1 अंक या 2 अंक में सीमित हो गई है। अगर हम गोरखपुर की बात करते हैं तो इस वर्ष जनवरी से लेकर अभी तक हमारे पास जेई एईएस के केवल 8 मरीज रिपोर्टेड हैं और जिसमें मृत्यु किसी की नहीं हुई है। मलेरिया फाइलेरिया डेंगू चिकनगुनिया इन सब के कोई भी मरीज हमारे पास नहीं है। ये सरकार का एक समेकित प्रयास होता है जिसमें विभिन्न विभाग जैसे कुल 12 विभागों का सहयोग लेकर के सरकार जो होती है 4-4 महीने के अंतराल पर संचारी रोग नियंत्रण का एक महाअभियान चलाती है। यह 1 महीने का महाअभियान होता है जिसमें 1 माह तक जो है विभिन्न विभाग जैसे हमारा नगर विकास विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, हमारा शिक्षा विभाग, वन विभाग, उद्यान विभाग और पशुपालन विभाग, सूचना विभाग, सभी लोग मिलकर के काम करते हैं, सब लोग कार्य करते हैं। तो इसमें प्रमुख काम जो हमारा किया जाता है कि एक तो ग्रामीण जनता को साफ सफाई और स्वच्छता का संदेश दिया जाता है, उनको इससे हम लोग रूबरू कराते हैं कि स्वच्छता से ही हम स्वस्थता को प्राप्त कर सकते हैं, ये हमारा मूल मंत्र है। इसी के तहत जो है हमारा वन विभाग, उद्यान विभाग, शहरी विकास, ग्रामीण निकाय जो होते हैं ये सब लोग जो है काम लेकर के झाड़ियों की सफाई कराते हैं और जितने भी जो कचरे होते हैं सड़क के इनको उठवाया जाता है, नालियों की साफ़ सफाई कराई जाती है, पानी का उचित ड्रेनेज किया जाता है, जहाँ पर मक्खी मच्छर पनपने की जगह होती है वहाँ पर जो है दवाओं का छिड़काव किया जाता है, पानी के ड्रेनेज को ठीक किया जाता है, इंडिया मार्का हैंडपम्प के पानी पीने की सलाह दी जाती है, जो उथले हुए हैंडपम्प होते हैं उनको लोगों को आगाह किया जाता है कि आप इसका पानी मत पीजिए, उसको लाल कलर से चिन्हित कर दिया जाता है। हमारी टीमें गांव-गांव घर-घर जाकर के स्वच्छ जल के पेय के लिए लोगों को प्रेरित करती हैं, उसमें क्लोरीनेशन का एक डेमो किया जाता है जिसमें हम लोग क्लोरीन की टैबलेट देते हैं मरीज से, उनके घर लोगों से कहते हैं कि इसको अपने घर में रात में पानी में डाल दीजिए, सुबह इसका पानी का प्रयोग कीजिए। इसी प्रकार जो खेतों में चूहे पाए जाते हैं, छछूदर पाए जाते हैं, अपने घरों को चूहे और छछूदर से मुक्त करने की बातें की जाती हैं, खास करके छोटे बच्चे जो हमारे झाड़ियों में खेलने जाते हैं जिससे एक स्क्रफ टाइपस नामक की बीमारी होती है, झाड़ियों की साफ़ सफाई कराई जाती है और परिजनों को बताया जाता है कि इन घरों में ऐसी जगहों पर ना जाएं। दूसरा जो होता है खुले में शौच करने से लोगों को सचेत किया जाता है, सरकार की योजना है कि हर घर घर में जो है शौचालय हो और जहाँ पर हो वहाँ सामुदायिक शौचालय हो, सभी लोग जो है शौचालय का प्रयोग करें, खुले में शौच ना करें। इसके अलावा एक प्रमुख संदेश हमारा और भी होता है जिसमें ये दिया जाता है कि आप शौच के बाद अपना हाथ साबुन से धोएं और भोजन करने से पहले अपना हाथ साबुन से धोएं। इसके अलावा एक और होता है स्वच्छ जल का प्रयोग करें। इसके अलावा होता है कि अगर बाहर आप जा रहे हैं तो पानी अपना अपने साथ रखिए, अगर पानी स्वच्छ पानी आपको नहीं मिल रहा है तो इंडिया मार्का हैंडपम्प का पानी पीजिए। सड़क के किनारे बिकने वाले कटे हुए फल का सेवन न करिए, जो सड़क के किनारे कुओं में या पानी के कंटेनरों में पानी बेचते हैं उसका पानी नहीं पीना चाहिए। और इसके अलावा मलेरिया फाइलेरिया और डेंगू चिकनगुनिया जो हमारी स्क्रफ टाइफस कालाजार ये जो प्रमुख बीमारियां हैं, अगर इसमें किसी भी व्यक्ति को बुखार आता है तो वह तत्काल जो है नीम हकीम या झाड़ फूंक के चक्कर में न पड़ करके तत्काल जो है वो हमारे जितने भी राजकीय चिकित्सालय हैं उन सभी जगहों पर जाएं, हमारे समस्त सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर इसके हाई बुखार के हाई ज्वर के समुचित उपचार की व्यवस्था की गई है। इसके साथ साथ जो है इसी अभियान में हम लोगों का 15 दिन का एक अभियान होता है दस्तक अभियान। दस्तक का जिसका कि शाब्दिक अर्थ होता है खटखटाना। इसमें हमारी आशा, हमारी आंगनवाड़ी बहनें घर घर जाती हैं जो पहले से प्रशिक्षित रहती हैं, वो कोविड प्रोटोकॉल का पालन करती हुए हर घर में
कर दी हैं कि अगर कहीं पर भी बच्चा 15 साल से नीचे का बच्चा है या कोई क्षय रोग से ग्रसित है तो उसके घर पर एक स्टिकर लगा दिया जाता है, जिससे भविष्य में जब हम कभी उस घर को चिन्हित कर लें। इसके बाद वहाँ पर अगर कोई तीव्र ज्वर का मरीज है तो उसकी एक लाइन लिस्ट बना लेती हैं, क्षय रोगी अगर कोई है तो उसकी लाइन लिस्ट बना लेती हैं, ILI जिसे जुकाम बुखार खांसी नाक बहने का कोई मरीज होता है तो उसकी एक लाइन लिस्ट बनाई जाती है, अगर कोई बच्चा कुपोषण का शिकार है तो उसकी एक लाइन लिस्ट बनाई जाती है। इसके साथ साथ ये हमारी आशाएँ हमारी आंगनबाड़ी घर के अंदर जा कर के उनके अंदर देखती हैं कि इनके घर में पानी कहीं एकत्र होने का सोर्स तो नहीं है। घरों में पानी एकत्र होने का प्रमुख स्रोत जो होते हैं हमारी नालियां होती हैं, पंडो होते हैं, कुछ घरों में मनी प्लांट या तुलसी के पौधे लगाए जाते हैं, इसमें जो पानी होता है इसमें भी मच्छर पनपने की प्रबल संभावना रहती है। पुरानी प्रकार के जो पहले फ्रीज आया करते थे सिंगल डोर वाले फ्रिज हुआ करते थे उनके पीछे पानी की ट्रे होती है, उसमें भी मच्छर पनपते हैं। कुछ घरों में चिड़ियों को पानी पिलाने के लिए पानी के कटोरदान रखे जाते हैं, उसमें भी मच्छर पनपने की सफाई रहती है। इसके अलावा जो है कूलर का बहुतायत प्रयोग किया जाता है, उसके भी कूलर के जो वाटर कंटेनर होता है उसमें रहता है। तो इन सब को भी नियमित सफाई करने का, सप्ताह में एक बार सफाई करने का संदेश ये देती हैं। साथ ही साथ जो घरों में पानी की टंकियाँ जिनके घरों में ओवरहेड टैंक लगाना होता है वहाँ की अगर साफ़ सफाई वहाँ की ड्रेनेज व्यवस्था नहीं होती है तो वहाँ पर भी मच्छर पनपने का रहता है, तो वहाँ पर भी उनको ड्रेनेज की साफ़ करने की। कुल मिलाकर के संदेश यही रहता है कि घर के अंदर साफ सफाई रखें, मच्छरदानी के अंदर आप सोएं। अगर जो और दूसरा एक संदेश हम लोग देते हैं स्कूल के बच्चों को कि अगर अपने बच्चे को स्कूल भेज रहे हैं तो मोटे कपड़े पहनाइए, पूरी बांह के कपड़े पहनाइए, जूते मोजे पहना कर रखिए, और जो शरीर का खुला हुआ भाग है उस पर जो है कोई मॉस्किटो रिपेलेंट क्रीम जो मच्छर भगाने वाले तमाम बाज़ार में उत्पाद आते हैं उसको लगा के भेजिए। स्कूल के प्रधानाध्यापकों और अध्यापकों से हम लोग अनुरोध करते हैं कि स्कूल के कमरे हवादार होने चाहिए, क्रॉस वेंटिलेशन होना चाहिए और उचित मात्रा में वहाँ पर प्रकाश होना चाहिए। दिन में भी अगर प्रकाश अंधेरा है आपके कक्ष में तो वहाँ पर उजाले की व्यवस्था करके रखना चाहिए। इसके साथ साथ अध्यापकों का एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है हमारे DMO साहब ने हमारे DSO साहब ने, जिनके ग्रुप पर जो है हम जो है क्या करें क्या ना करें का संदेश प्रसारित किया जाता है और उनसे होता है कि अपने बच्चों को इसको चीज़ को बताएं। इसी के साथ साथ जो प्रार्थना सुबह की जो प्रेयर होती है उसमें स्वच्छता के नियमों का प्रचार प्रसार कराया जाता है, कैसे हम बचें, हम सार्वजनिक शौचालय या घर के अंदर बने हुए शौचालय का प्रयोग करना, स्वच्छ जल का, और बीमारी की स्थिति में राजकीय चिकित्सालयों में जाने की बात करते हैं। इसी के क्रम में हम लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए आप लोगों के सहयोग के लिए हमने यह सभा बुलाई थी और मुझे विश्वास है कि आप लोग इसे बढ़ चढ़ करके प्रसारित करेंगे जिससे गोरखपुर की जनता को हम स्वस्थ रखने में सफल हों। और एक चीज़ और है, हमारा जो दस्तक अभियान होगा इसमें लगभग हम 8.5 लाख घरों का भ्रमण करेंगे और हमारी 4,115 टीमें घर घर जा कर के 15 दिन दस्तक अभियान का क्रियान्वयन करेंगी। इसका शुभारम्भ हमारे जितने भी जनपद के जितने भी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर एक उत्सव की तरह किया जाएगा और सभी चिकित्सा अधीक्षकों को निर्देशित किया गया है कि अपने क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों से इसका कराएं और हमारे जितने भी जनप्रतिनिधि हैं लगभग हम लोगों ने सबसे संपर्क स्थापित किया है और इसका आधिकारिक रूप से शुभारम्भ जो है चरगवां से कल हम करेंगे, जहां पर हमारे वहां के क्षेत्रीय विधायक माननीय महेंद्र सिंह जी इसका शुभारम्भ 10 बजे करेंगे। इसके बाद हमारा सहजनवा में होगा, बड़हलगंज में होगा और हर जगहों पर इसका होगा और वहां पर जो है पूरा एक उत्सव का जैसा माहौल होगा। उसमें हम लोग जो है एक रैली का किए हैं जिसमें जो है हमारे आशा ANM रहेंगी और हमारे जितने स्वच्छाग्राही लोग रहेंगे और जितने भी हमारे फॉगिंग की मशीनें होंगी और जो हैं ये सब के साथ जो है एक जुलूस निकाला जाएगा। ग्राम प्रधानों के सहयोग से, ब्लॉक प्रमुखों के सहयोग से पूरी व्यवस्था की जाएगी और जिससे कि लोगों के बीच में जागरूकता रहे और लोग कोई भी चीज़ इस तरह की कोई चीज़ हाइड ना होने पावे, कोई भी बुखार का पीड़ित कहीं किसी असामयिक काल कौलित ना होने पावे, इसके लिए हम लोग पूरा बृहद रूप से प्रचार प्रसार कर रहे हैं। गोरखपुर में तारामंडल स्थित बैंक ऑफ इंडिया के गोरखपुर अंचल के आंचलिक कार्यालय का उद्घाटन बैंक के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी AK दास के द्वारा किया गया, जिसके संबंध में बैंक ऑफ इंडिया के वाराणसी के जोनल मैनेजर भरत सिंह
फोनिया ने बताया कि बैंक ऑफ इंडिया ने गोरखपुर शहर में अपनी पहली उपस्थिति गोरखपुर मुख्य शाखा के रूप में दिसंबर 1975 में दर्ज की थी और तब से बैंक ऑफ इंडिया निरंतर अपने ग्राहकों को उत्कृष्ट सेवा प्रदान कर रहा है। पिछले कुछ वर्षों से गोरखपुर और उसके आसपास के क्षेत्र खुदरा MSME व एवं कृषि क्षेत्र से संबंधित बैंकिंग व्यवसाय के क्षेत्र में बहुत तेजी से प्रगति की है। हमारे मूल्यवान ग्राहकों को बताते हुए अपार हर्ष का अनुभव हो रहा है कि हमारे बैंक रिश्तों की जमा पूंजी को सुदृढ़ करने के लिए गोरखपुर क्षेत्र को चुना है और यह आंचलिक कार्यालय राज्य के पूर्वांचल एवं अवध प्रदेश से संबंधित कुल 16 जिलों की बैंक ऑफ इंडिया की शाखाओं से संबंधित कारोबार की देखरेख करेगा, जिससे इन सभी जिलों के ग्राहक सीधे तौर पर लाभान्वित होंगे। इस अवसर पर बैंक ऑफ इंडिया के कार्यकारी निदेशक पीआर राजगोपाल, स्वरूप दास गुप्ता, एम कार्तिकेयन, अरुण मिश्रा, अभिनव गर्ग, राघवेंद्र राव, राहुल रंजन, आदित्य कौशिक सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए बैंक ऑफ इंडिया के वाराणसी के जोनल मैनेजर भरत सिंह फोनिया ने कहा, जनरल मैनेजर है, लेकिन जो दरअसल मैं पहले आप लोगों को थोड़ा सा बता देता हूँ। हमारे यहाँ से हमारे बैंक ऑफ इंडिया के सर्वप्रथम एक जो सबसे बड़ी बात है, गोरखपुर अपने आप में एक ऐसा उन्नतशील इलाका है या क्षेत्र है जिस क्षेत्र में चौमुखी विकास हो रहा है। आज की तारीख में आप लोग कोई भी नया परियोजना देखो, कोई भी नया कार्यविधि देखो, और सबसे बड़ी बात है व्यापारिक गतिविधि देखिए, चाहे वो टेराकोटा का इंडस्ट्री हो हैंडीक्राफ्ट के लिए, चाहे वो टेक्सटाइल हो, चाहे वो कई बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हों, और विशेष तौर से एग्रीकल्चर खेती से जुड़े हुए विभिन्न जो है उद्यम हो, वो गोरखपुर क्षेत्र में विकास कर रहे हैं। बैंक ऑफ इंडिया ने एक कोशिश की है कि गोरखपुर क्षेत्र को एक जो है अपने निजी शर्तों पे प्रगति के लिए एक जो है अलग अंचल खोला जाए, जिसका जो है एडमिनिस्ट्रेशन यहीं से हो, गोरखपुर से ही हो, जिसमें कि क्या होगा, गोरखपुर की विभिन्न जो आने वाली इकाइयां हैं उन इकाइयों को जो है एक जो है हम बेहतर तरीके से वित्तीय सहायता दे पाएंगे। इसमें हमारे बैंक का एक बहुत बड़ा दृष्टिकोण है कि गोरखपुर में संभावनाएँ बहुत ज़्यादा हैं, उन संभावनाओं को बैंक ऑफ इंडिया हर तरीके से आगे बढ़ाना चाहती है। इसमें हमारे, जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया, हमारा जो NBG लखनऊ में जो हम लोग का मुख्यालय है, उन्होंने ये महसूस किया कि हम अगर गोरखपुर के शाखाओं को एक अलग जो है लोकल एडमिनिस्ट्रेशन दें तो उसके माध्यम से यहाँ चौमुखी बैंकिंग का विकास हो सकता है। हमारी सबसे बड़ी बात मैं आज आप लोगों को बताता हूँ। एक आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है, गोरखपुर में जितने भी लोग हैं सब प्रगतिशील हैं और बैंक ऑफ इंडिया अपने आप में एक प्रगतिशील बैंक है। बैंक ऑफ इंडिया ने सब पूर्व में जापान से लेके और पश्चिम में अमेरिका तक हमारी सारी दुनिया के हर कोने पे शाखाएं हैं, और इसी स्तर पे हमारी, चाहे ग्रामीण परिवेश में हो, चाहे हमारी शहरी परिवेश में हो, और चाहे हमारी जो है अर्ध शहरी परिवेश में हो, वहाँ हमारी शाखाएं, हमको दूसरे बैंकों से एक भिन्नता है। ये बात मैं अवश्य कहूँगा, हमारी बैंक ऑफ इंडिया उद्यमियों का बैंक है, बैंक ऑफ इंडिया कारोबारियों का बैंक है, बैंक ऑफ इंडिया खेती करने वाले कृषकों का बैंक है। बैंक ऑफ इंडिया कभी भी इस हमारे इस क्षेत्र में किसी बहुत बड़े ऐसे व्यापारिक गतिविधि वाले से संबंध रह के अपना व्यापार नहीं बढ़ा रहे जिससे जनमानस को लाभ ना हो। तो हमारी कोशिश है कि हर जनमानस तक पहुंचना, चाहे वो PM स्वनिधि के माध्यम से हो, चाहे ODOP के माध्यम से हो, चाहे वो हम KCC के माध्यम से जुड़े, हमारा मूल उद्देश्य है कि हम जो है दूसरे बैंकों की तरह सिर्फ ये ना सोचे कि हम जो है एक उद्यमियों के बैंक है, हम हर वर्ग के सहायता के लिए एक ऐसे बैंक है जो है कि समाज की उन्नति चाहता है। देखिए मैं आपको आज बताता हूँ, बैंक ऑफ इंडिया की एक साफ गोई है, आप लोगों को सुन के अजीब सा लगेगा, हम ये नहीं कहते हैं कि 5% ब्याज देते हैं, हम हर वो स्कीम हमारे पास है, लेकिन हम सत्यता ये बताते हैं कि जो ब्याज की शर्तें हैं
वो भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार हम सारी ब्याज की सुविधाएं देती हैं, लेकिन हम आज के इस कंपटीशन के दौर में हम इस माहौल को नहीं बनाना चाहते, छद्म छलावा नहीं देना चाहते कि आपको हम ऐसा ब्याज देंगे। कल पता चला कि वो तो कुछ समय के लिए था, हमने आपको सुन के अजीब सा लगेगा, हमने इस कोविड के काल पे बैंक ऑफ इंडिया एकमात्र बैंक है जिसने अपने ग्राहकों के लिए एक कोविड पर्सनल लोन का स्कीम लेके आई थी जो मात्र 6.50% पे थी, वो किसी बैंक में नहीं था, लेकिन हमने कभी ढिंढोरा नहीं पीटा इस बात का, क्योंकि हम लोग का एक मन है कि ग्राहक को सेवा देना, समाज के हर वर्ग को सेवा देना, ये हमारी कोशिश है। पीएम स्वनिधि में के संचालन में हमारी बैंक ने अहम भूमिका निभाई, हर स्तर पे बोला गया, लेकिन हम लोगों ने एक चीज़ किया, हम लोग कुछ जो है लोगों के जनमानस के नज़दीक तक पहुंचने वाले बैंक। क्या अलग बनाता है बैंक ऑफ इंडिया को अन्य बैंकों से? बैंक ऑफ इंडिया का एक जो सबसे बड़ी जो USP है वो ये है, बैंक ऑफ इंडिया अपने ग्राहकों से रिश्तों को हर समय सजो कर रखता है, ये एक सत्यता है। हम लोगों जैसे मैंने आपको कहा, हम लोगों को कोई बहुत बड़े एकदम एक साथ छोटे शहरों में बहुत बड़े बड़े कारोबारी नहीं चाहिए, हम लोगों को ऐसे लोग चाहिए जिन लोगों को बैंकिंग की आवश्यकता है, ये एक बहुत बहुत बदलाव है दूसरे बैंकों की अपेक्षा। गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर शासन की योजना एक जिला एक उत्पाद के तहत प्लेटफार्म नंबर 1 पर प्रेराकोटा का स्टॉल लगवाया गया, जिसके संबंध में पूर्वोत्तर रेलवे के CPRO पंकज कुमार सिंह ने बताया कि बजट में अनाउंसमेंट हुआ था कि एक स्टेशन पर एक प्रोडक्ट लगाया जाएगा, जिसके लिए रेलवे स्टेशन पर टेराकोटा का स्टॉल लगवाया गया है, क्योंकि टेराकोटा गोरखपुर का ही हस्तनिर्मित वस्तु है जिसको मुख्यमंत्री योगी ने भी सराहा है, जिसको देखते स्टेशन पर स्टॉल लगा है कि कोई भी यात्री अगर स्टेशन पर आए तो वह टेराकोटा को ज़रूर देखे कि यहाँ की कौन सी वस्तु फेमस है। उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर रेलवे में 2 स्टेशन चुने गए हैं जिसमें बनारस व गोरखपुर शामिल है, इन दोनों स्टेशनों पर टेराकोटा का स्टॉल लगवाया गया है, जिसमें आजमगढ़ की बनी हुई ब्लैक पॉटरी का स्टॉल लगवाया गया है और गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर टेराकोटा का स्टॉल लगवाया गया है, जिससे यहां के टेराकोटा व्यापारियों का मान बढ़ा है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज़ से बात करते हुए पूर्वोत्तर रेलवे के CPRO पंकज कुमार सिंह ने कहा, बजट में एक अनाउंसमेंट हुआ था कि वन स्टेशन वन प्रोडक्ट का, कि एक स्टेशन पर एक प्रोडक्ट हम लोग शोकेस करेंगे, उसके लिए स्टॉल लगाएंगे, जगह देंगे, जिससे उस स्टेशन के आसपास का अगर कोई लोकल प्रोडक्ट ऐसा है जिसको हाईलाइट करना है या कोई भी वहाँ से यात्री जाते हैं तो समझ सकें कि यहाँ का क्या चीज़ फेमस है, उसको ध्यान में रखते हुए यह डिसीजन लिया गया था। और इसी क्रम में पायलट प्रोजेक्ट बेसिस पर पूर्वोत्तर रेलवे में 2 स्टेशन चुने गए हैं, बनारस और गोरखपुर। बनारस में आजमगढ़ की बनी हुई ब्लैक पॉटरी, उसका स्टॉल लगाया गया है, और गोरखपुर में टेराकोटा जो कि यहाँ का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट भी है, उसका स्टॉल लगाया गया है। इस तरह के स्टॉल लगाने से जो ग्रामीण हमारे जो हस्तशिल्प के माध्यम से इस तरह की चीज़ें बनाते हैं, जैसे टेराकोटा के बर्तन बनाते हैं, ये सारी चीज़ें स्टेशन पर एक स्टॉल पर लगाई गई हैं। इससे जो यात्री पर डे आ रहे हैं जा रहे हैं उनको ये पता चल रहा है कि यहाँ पे किस तरह की चीज़ों की विशेषता है गोरखपुर में, तो टेराकोटा का प्रचार प्रसार हो रहा है। जो वर्ग
इन चीज़ों को बनाता है, उनका उत्साहवर्धन हुआ है कि उनको एक बड़ा प्लेटफॉर्म गोरखपुर रेलवे स्टेशन के माध्यम से मिला है। 2 अप्रैल शनिवार को चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से चैत्र नवरात्र शुरू हो रहा है। इस बार माँ दुर्गा घोड़े पर सवार होकर आएंगी तथा इसी दिन से माँ शक्ति की आराधना शुरू हो जाएगी, जो 10 अप्रैल को रामनवमी तक चलेगी। उसी दिन भक्ति आराधना के साथ ही रामनवमी भी भाव से मनाया जाएगा तथा महानगर में नवरात्र को लेकर बाजारों में माँ दुर्गा के श्रृंगार का सामान, चुनरी, नारियल, कलश तथा इत्यादि चीजों का बाजार सज गया है तथा भक्त बढ़ चढ़ कर सामानों की खरीदारी कर रहे हैं, जिसके संबंध में आचार्य पंडित विजय शंकर पांडे ने बताया कि 2 अप्रैल को मां शैल पुत्री की पूजा होगी। नवरात्र में पूजा करने से तमाम कष्ट दूर होते हैं। प्रथम दिन कलश स्थापना होता है, दुर्गा सप्तशती का पाठ होता है, अष्टमी के दिन हवन होता है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए अभिषेक पांडे एवं आचार्य पंडित विजय शंकर पांडे ने कहा, अभिषेक पांडे हैं, पंडित अभिषेक पांडे। मैं कल चैत्र मास में प्रथमा से नवरात्र स्टार्ट हो रहा है, माँ घोड़े पे सवार होके आ रही हैं, भक्तों को मन की मुरादें पूरी होंगी। यहाँ पर सारे लोगों की मुरादें पूरी होती हैं। माँ शनिवार के रूप दिन पहले दिन माँ शनिवार को श्रृंगार होगा। माँ का क्या होता है 9 दिन व्रत रहने से, क्या परंपरा होता है 9 दिन व्रत को नवमी का? नवमी को व्रत करने रहने से सभी की मुरादें पूरी होती हैं, लोगों के सभी प्रकार के कष्ट दूर हो जाते हैं, मन में जो शंकाएं रहती हैं वो दूर हो जाती हैं, माँ सभी पे कृपा करती हैं। पंडित आचार्य पंडित विजय शंकर पांडे, कल जो है दिन शनिवार है, 2 अप्रैल है, कल नवरात्र का प्रथम दिन प्रारंभ हो रहा है, माँ शैल पुत्री की पूजा होगी और व्रत से जो है अनंत फल प्राप्त होता है, माता का पूजा पुष्प धूप दीप नैवेद्य इत्यादि से पूजा करना चाहिए, व्रत रखना चाहिए। हाँ, क्या होता है 9 दिन अगर पूरा पूजा, उसकी फल की सिद्धि होती है, माँ उस पर प्रसन्न होते हैं, उसकी सभी मनोकामना पूर्ण करती हैं। और क्या होता है 9 दिन में? 9 दिन में जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ मंदिर पर जो है प्रथम दिन कलश स्थापना होता है, दुर्गा सप्तशती का पाठ होता है। ये 9 दिन में माँ किस रूप में आती है, किस किस रूप में आती है? प्रथम जो है शैलपुत्री, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्र घंटी, चतुर्थम स्कंद मायती, पंचमम चतुर्थम कुष्मांडे, पंचमम स्कंद मायती, षष्ठम कात्यायनी च, सप्तमम कालराती, सतवां दिन कालराती पर, आठवां दिन महागौरी और नौवें दिन सिद्धिदात्री, यही 9 दुर्गा जो है 9 दिन का। नौवें दिन जो है माता का सविध पूजा, आठवें दिन जो है जो निशा पूजा होता है, मातृ की निशा पूजा होता है, पूजन होता है, हवन होता है, नवमी के दिन भी पूजन होता है, हवन होता है, कढ़ाई इत्यादि लोग चढ़ाते हैं, यही सब है। आज के लिए बस इतना ही। जाने से पहले एक नज़र सुर्खियों पे।
गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। मुख्य निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार शुक्ला ने विधान परिषद स्थानीय प्राधिकरण के चुनाव के संबंध में सभी जिलों के अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया वर्चुअल संवाद, अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। पच्चीस मार्च को चौरी चौरा उपद्रव में शामिल अभियुक्तों की पहचान के लिए पुलिस ने भोपा बाजार चौराहा सहित अन्य जगहों पर पोस्टर किया चस्पा। सीओ चौरी चौरा ने कहा, उपद्रवियों की सूचना देने वाले नागरिकों को ₹1,000 का दिया जाएगा इनाम, नाम को रखा जाएगा गोपनीय। बीडीसी मेंबरों और ग्राम प्रधानों से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ से किया वर्चुअल संवाद। कहा, ग्राम प्रधान व बीडीसी मेंबर्स अधिकारियों के साथ मिलजुल कर करें कार्य, प्रदेश को बनाया जाएगा देश में उत्तम प्रदेश। एंटी रोमियो टीम का एसएसपी डॉक्टर विपिन ताडा ने किया गठन। महिला सुरक्षा के प्रति शेरनी दस्ता को किया ब्रीफ, पुलिस लाइन से हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व कैबिनेट मंत्री मत सिभाग डॉक्टर संजय निषाद ने सपरिवार बाबा गोरखनाथ व अन्य महापुरुषों के दर्शन कर लिया उनका आशीर्वाद। कहा, मछली उत्पादन में प्रदेश को बनाना है देश में नंबर वन प्रदेश। गोरखपुर में शनिवार से सड़क पर हुए अतिक्रमण को हटाने के लिए जिला व पुलिस प्रशासन की संयुक्त टीम अलग अलग जगहों पर चलाएगी अभियान। जिलाधिकारी ने कहा, अभियान चलाकर शहर को अतिक्रमण से कराया जाएगा मुक्त, लोगों को जाम से मिलेगी निजात। पूर्वोत्तर रेलवे का विद्यालय बालक इंटर कॉलेज व बालिका इंटर कॉलेज सीनियर सेकेंडरी स्कूल में होगा मर्ज। छात्र व छात्राओं की पढ़ाई नहीं होगी बाधित, मर्जर होने तक नए एडमिशन पर लगी रोक, पूर्वोत्तर रेलवे के सीपीआरओ ने दी जानकारी। गुरु गोरखनाथ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज आयुर्वेद कॉलेज में दीक्षा पाठचर्या समारोह के पांचवें दिन आयुष विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर एके सिंह ने कहा, वैश्विक पुनर्स्थापना की ओर अग्रसर है आयुर्वेद, समूची दुनिया के लिए आयुर्वेद है सच्चा हितैषी। जिला प्रशासन ने प्राथमिक विद्यालय के खुलने के समय में किया बदलाव। जिलाधिकारी ने कहा, 1 अप्रैल से 8 बजे खुलेगा विद्यालय, सभी विद्यालयों को दिया गया है निर्देश। संचारी रोगों पर नियंत्रण के लिए जनपद में 12 विभागों के सहयोग से 2 अप्रैल से शुरू होगा 30 दिनों का संचारी रोग नियंत्रण अभियान। सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। बैंक ऑफ इंडिया के गोरखपुर अंचल के आंचलिक कार्यालय का प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी एके दास ने किया उद्घाटन। कहा, यह आंचलिक कार्यालय गोरखपुर सहित 16 जिलों के बैंक के कारोबार की करेगा देखरेख, ग्राहकों को सीधे मिलेगा लाभ। एक जनपद एक उत्पाद के तहत गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर लगाया गया टेराकोटा का स्टॉल। पूर्वोत्तर रेलवे के सीपीआरओ ने कहा, स्टॉल के माध्यम से स्टेशन पर आने वाले यात्रियों को चल सकेगा जिले की फेमस वस्तु का पता, टेराकोटा को मिलेगा बढ़ावा। और 2 अप्रैल शनिवार को चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से शुरू हो रहा है चैत्र नवरात्र। माँ दुर्गा इस बार आएंगी घोड़े पर सवार होकर। महानगर में नवरात्र को लेकर बाजारों में माँ दुर्गा के श्रृंगार का सामान, चुनरी, नारियल, कलश इत्यादि से सजे बाजार, भक्त बढ़ चढ़ कर रहे हैं सामानों की खरीदारी। अब मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।